नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की गतिविधियां हुई तेज। शहरी क्षेत्र में 4 सेल्फी प्वाइंट का किया गया उद्घाटन। उपायुक्त समेत कई पदाधिकारी व खासो आम रहे मौजूद। चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को मिलेगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा। चुनाव आयोग उठाएगा इलाज का खर्चा। उपायुक्त ने दिए इसके स्पष्ट निर्देश। विधानसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच तमाम प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। विभिन्न इलाकों में पहुंचे सभी दलों के प्रत्याशी, मांगा अपने अपने पक्ष में समर्थन। और दिगंबर जैन साधुओं का दल पहुंचा गिरिडीह। मधुबन जाने के क्रम में गिरिडीह में जैन समुदाय ने किया स्वागत। कोलकाता से पैदल यात्रा कर पहुंचे हैं जैन संत। अब खबरें विस्तार से। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार तरह तरह की गतिविधियां संचालित कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को शहरी क्षेत्र में 4 सेल्फी प्वाइंट लगाया गया। इस सेल्फी प्वाइंट का उद्घाटन उपायुक्त समेत अन्य कई अधिकारियों ने किया। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। वोटिंग का प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के 4 स्थानों पर सेल्फी प्वाइंट का उद्घाटन किया गया। मौके पर सेल्फी लेकर लोग एक दूसरे को जागरूक करते नजर आए। सेल्फी प्वाइंट का उद्घाटन उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। इस दौरान DDC मुकुंद कुमार दास, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा आदि मौजूद थी। बताया गया कि जिले के सभी प्रखंडों में मतदाता जागरूकता अभियान को बल दिया जा रहा है। इधर सी विजिल ऐप के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। इस अभियान में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अभियान के माध्यम से लोगों से लोकतंत्र को सशक्त बनाने की अपील की जा रही है। आगामी 12 दिसंबर तथा 16 दिसंबर को गिरिडीह जिले में विधानसभा निर्वाचन की तिथि है और उस आलोक में जिला स्वीप कोषांग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बहुत तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों में एक कड़ी है यहाँ पर लगा हुआ बैलेट सिस्टम, जिसके माध्यम से लोग आएँ, अपना सेल्फी खिंचाएँ, सेल्फी खिंचा कर इससे और ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित हों। और इसे 4 जगहों पर लगाया जा रहा है शहर के विभिन्न हिस्सों में। हर एक जगहों पर इसके आगे आने वाले दिनों में और कोशिश की जाएगी कि और संख्याओं को बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर यही उद्देश्य है कि सभी मतदाताओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिले और 12 तारीख और 16 तारीख को अपने अधिकारों का वह पूरा उपयोग करते हुए आगामी विधानसभा निर्वाचन को पूरी सफलतापूर्वक संपादन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। देखिए, ये स्वीप कार्यक्रम के तहत ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और ऐसा 4 पॉइंट बनाया गया है और 4 पॉइंट को हम लोग एक दिन के अंतराल पर डिफरेंट जगह रखेंगे। आम मतदाताओं से, आम नागरिकों से मेरा अपील है कि वो यहाँ आके अपना सेल्फी लें, फ़ोटो खिंचवाएं और उस फोटो को न सिर्फ खिंचवाएं बल्कि मैक्सिमम जितना लोगों को हो सके, जितना सगे संबंधियों को, जितने परिचित को हो, उसको सर्कुलेट करें ताकि हमारा ये मैसेज सभी मतदाताओं में जाए कि आगामी 12 दिसंबर को और 16 दिसंबर को जो धनवार विधानसभा और शेष 5 विधानसभा इस जिले में जो चुनाव होना है उसमें सभी मतदाता भाग लें और मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं, एक अच्छे प्रजातंत्र के लिए, अच्छे शासन के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही उद्देश्य है। स्वीप कार्यक्रम के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत एक सेल्फी पॉइंट है। ये नया इनोवेशन है यहाँ, इसका ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से चुनाव कार्य में जाने वाले कर्मी और पुलिस कर्मियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात की जानकारी बुधवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा ने दी। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार गिरिडीह जिले में भी कैशलेस मेडिकल प्लान को लागू किया गया है।
इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि इस बार कैशलेस मेडिकल प्लान के तहत पोलिंग पर्सन्स और पुलिस पर्सन्स को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। चुनाव में अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो सर्वप्रथम थाना को सूचना देकर वहां से एम्बुलेंस भेजकर उस क्षेत्र के सबसे नजदीकी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर उचित उपचार किया जाएगा। यदि उस अस्पताल में सुविधा उपलब्ध न हो सके तो तत्काल जहां अच्छी सुविधा की व्यवस्था हो उस नर्सिंग होम में ले जाकर अच्छी तरह से इलाज कराया जाएगा। बताया गया कि इस संबंध में जितना भी खर्च होगा वह पूरा निर्वाचन आयोग वहन करेगा। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार पूरे जिले में कैशलेस मेडिकल प्लान के तहत पोलिंग पर्सन्स तथा पुलिस पर्सन्स को सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। चुनाव के दिन अगर किसी भी तरह की अवांछित घटना होती है तो उस आलोक में सर्वप्रथम थाना के स्तर पर एम्बुलेंस उपलब्ध किए हुए रहेंगे और सबसे पहले घटना स्थल पर थाना द्वारा एम्बुलेंस भेजा जाएगा जो किसी भी घायल अथवा मरीज को ले जाकर तुरंत सबसे नज़दीकी, चाहे वह सरकारी हो चाहे वह प्राइवेट अस्पताल हो या नर्सिंग होम है, वहाँ पर भर्ती कराएंगे, जहाँ पर बिना किसी फॉर्मेलिटी के तुरंत में उस समय जीवन रक्षक दवाइयाँ उपलब्ध करानी है या किसी भी तरह का अगर ट्रीटमेंट की आवश्यकता उस मरीज को, उस पेशेंट को, तो उपलब्ध कराना है। और उस आलोक में अगर वहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो जिले के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ उसकी इलाज की सुविधा उपलब्ध है तुरंत उसी एम्बुलेंस से वहाँ पर पहुँचा दिया जाना है। इस आलोक में कोई भी अस्पताल, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी तरह के अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाएंगे, इलाज कराएंगे जिसका कि पूरा खर्च निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। कोलफील्ड मजदूर यूनियन के JCCI महामंत्री राघवन रघुनंदन ने बनियाडीह CCL क्षेत्र का भ्रमण किया और कर्मियों की समस्याओं से अवगत होकर उन्हें PO के समक्ष रखा। बनियाडीह CCL क्षेत्र में बुधवार को कोलफील्ड मजदूर यूनियन के JCCI महामंत्री राघवन रघुनंदन CCL क्षेत्र का भ्रमण कर मजदूरों की समस्याओं व क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हुए। इसमें मुख्य रूप से पानी समस्या, शौचालय समस्या, साथ ही इलेक्शन में जाने वाले कर्मियों को भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने CCL PO विनोद कुमार के समक्ष कर्मियों की समस्याओं को रखा। इधर PO ने समस्याओं को सुनते हुए जल्द ही समस्याओं को दूर करने की बात कही। मौके पर यूनियन अध्यक्ष शिवाजी सिंह, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, सचिव अमित यादव, शैलेंद्र साव, मनोज पंडित आदि उपस्थित थे। सबको ठीक, सबको मालूम है, ठीक नहीं है ना, वहीं से तो टोटल माइंड का थ्योरी खत्म हो जा रहा है। अब देखिए 1500 आदमी घुस रहा है डेली, उसके कारण मेरा माइंड नहीं चल रहा है। पाइपलाइन का कोई इश्यू है, आप कहीं पाइपलाइन जाम है उसको ठीक करवाइए, उसको देख के ठीक। दो नंबर से पानी गया है, सर पाइप का दो नंबर से साइडिंग से पानी गया है। कार्यक्रम हम लोगों के ट्रेड यूनियन का है, कोलफील्ड मजदूर यूनियन का, और मैं महामंत्री होने के नाते जब से गिरिडीह क्षेत्र बना था तब तक मैं इसका दौरा नहीं किया था। मेरा दौरा चल रहा है, यहाँ जो मजदूरों की समस्या, उन समस्याओं को चिन्हित करके और प्रबंधन के साथ बैठ कर कर करते उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है और कैसे करना है, इस पर हम लोगों ने अभी बात विचार विमर्श किया है प्रबंधन के साथ। ये दो प्रमुख समस्याएं देखे हैं, बाकी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो किसी एक जगह के लिए महत्व रखता है, इसकी बातें हैं। दौरा राघवन जी किए हैं, इसको हम लोग पहले से प्रस्तावित दौरा था ये, और लगातार यहाँ मजदूर समस्याओं झेल रहा है जिसके चलते हम लोगों को लगा कि इनका दौरा हो, प्रबंधन बात समझे सुने। और मुख्य बात ये था कि आज हमारे तीन साथी जो हैं वो ज्वाइन किए हैं, एक वो दशरथ मांझी हैं, एक मनोज यादव हैं और गोपाल साव, ये ज्वाइन किए हैं। जो जो साथी ज्वाइन किया सब वो साथी जो है सो पहले पिपरवार से यहाँ पर आया है, वो पिपरवार में कोलफील्ड मजदूर यूनियन में ही थे और यहाँ पर कोलफील्ड मजदूर यूनियन का गठन होने के बाद वो साथी यहाँ पर भी कोलफील्ड मजदूर यूनियन के साथ में ही रहने का प्रतिबद्धता जताया।
इंडियन स्टैटिकल संस्थान के गिरिडीह शाखा कार्यालय में संचालित 5 दिवसीय प्रमाण पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन भी सांख्यिकी उपकरण 6 सिग्मा के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और इस उपकरण को अपनाने के फायदों पर प्रकाश डाला गया। इंडियन स्टैटिकल संस्थान के गिरिडीह शाखा कार्यालय में इन दिनों 5 दिवसीय प्रमाण पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण सत्र के दूसरे दिन भी सांख्यिकी उपकरण 6 सिग्मा के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस सत्र में भारतीय सांख्यिकी संस्थान SQC और OR डिवीजन के प्रमुख प्रोफेसर आशीष कुमार चक्रवर्ती ने इस उपकरण को अपनाने के फायदों पर प्रकाश डाला। मौके पर प्रोफेसर पथिक मंडल ने बताया कि परिभाषित चरण में क्या आवश्यक है। मौके पर प्रोफेसर हरिचरण बेहरा ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। लेवल का ट्रेनिंग दे रहे हैं, गिरिडीह से कोई आदमी आया है, कोलकाता से कोई है और इंडस्ट्री से भी 2-4 आदमी आए हैं। ये सबको हम लोग सिखाते हैं 5 दिन पे कैसे प्रोसेस इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सब सिखाते हैं। कल तो पहले दिन था, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद हम लोग बोला कि प्रॉब्लम कैसे डिफाइन कर जा सकते हैं। आज जो है उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसका जो प्रॉब्लम है उनको मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं, मेजर करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसे कैसे ध्यान देगा। गिरिडीह से भाजपा प्रत्याशी निर्भय सहबादी ने बुधवार को मुफस्सिल क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों के समक्ष रखते हुए भाजपा को जीत दिलाने का आह्वान किया। गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत परसाटांड, कल्याणडीह, चंदन नगर, हंडाडीह के क्षेत्रों में बुधवार को गिरिडीह भाजपा प्रत्याशी निर्भय सहबादी ने जनसंपर्क कर आम जनों से मुलाकात की और उन्हें चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इन 5 वर्षों में जनहित के लिए कई कार्य किए हैं। सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं से जनता को सीधा लाभ हो रहा है। इन विकास योजनाओं को हमने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रयास से लोगों तक पहुँचाया है। भाजपा के नेतृत्व में हमने इन 5 सालों में अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य किए हैं आज उन्हीं को लेकर आम जनता के बीच में आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जनता भाजपा के साथ है और रहेगी भी। मौके पर गोपाल विश्वकर्मा, खीरोधर दास, सत्येंद्र चौधरी, शिव रंजन, सौरभ मिश्रा आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेरा नमस्कार है, जोहार है, प्रणाम है, बहुत बहुत आभार है। जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, इस बार भी 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2 नंबर का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आशीर्वाद देने का काम करें, ये अपील लेके आए हैं। और अभी हमारे छोटे भाई जिन्होंने कहा, ये हमारा पर्चा है जो पिछले 5 सालों में मैंने किया है, इसको लेके फेंकने वाला चीज नहीं है। इसको थोड़ा पढ़िए, अगर पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी हैं तो इसे आप देखेंगे। आप छात्र हैं और छात्रों के हित में मैंने जो लिखा है शिक्षा संबंधी, पहला मेरा ये शिक्षा संबंधी है। गिरिडीह में नर्सिंग स्कूल की स्थापना किया है, नर्सिंग स्कूल में जो हमारी बच्चियां वहां पर NM का कोर्स करेंगी तो सीधे उनको नौकरी का अवसर मिलेगा। पीठ ताड़ खोखरा जैसे जगह में
वहाँ पे डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया मैंने। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति हमको प्राप्त हो चुकी है, जनवरी से इसका काम शुरू हो जाएगा। और पीठताल में कस्तूरबा विद्यालय का शुभारंभ कराया, पीठताल के पालगंज में एकलव्य विद्यालय बन रहा है, वो भी मार्च में शुरू हो जाएगा। और कालू राम मोदी मेमोरियल वनांचल इंटर कॉलेज को स्थायी प्रस्वीकृति दिया है। अभी आप कॉलेज अगर जाते हैं तो कॉलेज जाके देखिएगा, कॉलेज में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण करा रहे हैं। और साथ ही जितने भी हमारे विद्यालय में, इसमें हमारी सरकार ने जहां बेंच डेस्क नहीं था, बेंच डेस्क देने का काम किया। मैंने कम से कम 10 विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा के लिए कंप्यूटर देने का काम किया है। और इस तरह से अनेकों अनेक काम किया है। और आने वाले समय में जो हमारा गिरिडीह लौ और माइका उद्योग पे आधारित है, लौ और माइका उद्योग के लिए मैंने काफी काम किया है। आज का मेरा कार्यक्रम बहुत ही हेक्टिक कार्यक्रम हम कह सकते हैं। सुबह प्रभात फेरी पद यात्रा करके वार्ड 30 और 29 वार्ड का भ्रमण किए सभी अपने साथियों के साथ में। उसके बाद चल करके अपना स्नान ध्यान करने के बाद सीधे परसाटाण और सिगदारडी पंचायत का दौरा कर रहे हैं। अभी हम बैठे हुए परसाटाण पंचायत के अंदूडी में, और इसके बाद भी एक आध जगह जाके जनता से संपर्क अभियान चल रहा है अपने साथियों के साथ में। जहाँ जहाँ भी भ्रमण हो रहा है, एक आध जगहों को छोड़ करके मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और मतदान की तिथि का इंतजार कर रहे हैं, मतदान की तिथि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ताकि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी उसके पक्ष में जाए। जिसने काम किया है, प्रधानमंत्री ने काम किया है, हमारी राज्य सरकार ने विकास का काम किया है, मैंने भी प्रयास किया है कि जनता को हर तरह से संतुष्ट करें, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लोग उत्साह के साथ हमारी पूरी टीम को स्वागत कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुदीविक कुमार सोनू ने भी बुधवार को शहरी क्षेत्र के धरियाडीह समेत अन्य कई इलाकों में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। मौके पर इन्हें काफी लोगों का समर्थन प्राप्त होता दिख रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह प्रत्याशी सुदीव कुमार सोनू ने बुधवार को शहरी क्षेत्र के धरियाडीह समेत अन्य कई स्थानों पर जोरदार रूप से जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने घूम घूम कर लोगों से मुलाकात की और उनसे अपने पक्ष में समर्थन मांगा। मौके पर सोनू ने कहा कि भाजपा सरकार से आम जनता त्रस्त है और विकल्प के तौर पर महागठबंधन की ओर देख रही है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार जनता इनके पक्ष में वोट करेगी। यहां इस जनसंपर्क अभियान में जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू समेत कई पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें बोला इसमें हेलो हाँ संजय में कैंपेनिंग ले रहे हैं जी। के मोहल्ले में हम लोग जनसंपर्क चलाया, डोर टू डोर लोगों से मिले, जनता का रघुवर सरकार के खिलाफ और स्थानीय विधायक के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है या रोष है वो स्पष्ट दिख रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि धरियाडीह की प्रबुद्ध जनता इस बार बेहतर प्रत्याशी चुनेंगे। ये अभियान कहाँ कहाँ चला था जी? ये शहर के हर मोहल्ले में हम लोग घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हर मोहल्ले तक पहुंचने की कोशिश। गांव प्रखंड में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि जमदार उत्क्रमित उच्च विद्यालय और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गांवा के बाल मित्र ग्राम जमदार के विद्यालय प्रांगण में बुधवार को मतदाता जागरूकता सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गांवा प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। साथ में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के कार्यकर्ता संदीप नयन और छोटे लाल भी मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम को अपने प्रस्तुति में दिखाया और सबों को
जागरूक करने का काम किया। मौके पर बीडीओ ने सभी को पहले मतदान फिर जलपान पर संबोधित करते हुए कहा कि जरूरी है कि सभी मतदाता अपनी पसंद के अनुसार मतदान करें और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत ही प्रशासन से संपर्क करें। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने वाद विवाद प्रतियोगिता, नृत्य, गीत आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को उत्क्रमित उच्च विद्यालय जमदार परिवार और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन गांवा ने आयोजित करवाया था। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक अभय चतुर्वेदी, सुदर्शन कुमार, मोहम्मद मिकाइल, आलोक कुमार, विनोद कुमार, राजेश कुमार, सुबोध कुमार, रामविलास मोदी, सुशीला देवी, सौरभ कुमार, प्रियंका कुमारी, राजकुमार आदि लोग लगे हुए थे। कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, वो स्वस्थ भी रहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा बच्चे आप लोग अपने जो माता पिता हैं उनको भी समझाइए और जो हमारे यहाँ प्रबुद्ध अभिभावक लोग हैं उन्हें इस चीज को आप अपने अगल बगल में थोड़ा मोटिवेट करिए। और जो लोग इस चीज से अगर ग्रसित हैं तो जल्द मैं आग्रह करूंगी कि वो इस चीज को छोड़ दें। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ कि मतदान 12 दिसंबर को है, 28 धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। आप जिससे भी इच्छा है आप वोट करें, लेकिन वोट देने जरूर जाए। आपको अगर कोई उम्मीदवार आपके यहाँ नहीं पसंद आता है आप नोटा में ही दबाएं, लेकिन आप वोट जरूर करें। क्योंकि देखिए मैं इस बार सोच के आई हूँ, एक महीना मुझे आए हुए हुआ है, मुझे अंदर से ये लग रहा है कि जैसा फीडबैक मुझे मिला कि हाँ गामा के बारे में, तो मैं सोचती हूँ कि अब इसको हर चीज में नंबर वन रखना। इस कार्यक्रम के अन्य अतिथियों में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संदीप नयन जी और छोटेलाल पांडे जी उपस्थित थे। कार्यक्रम को वीडियो मैडम के द्वारा काफी सराहा गया। इसमें एक विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विशेष कार्यक्रम डिबेट कंपटीशन, उसका बेस टॉपिक था साइंस इज बून और कर्स। दो पक्ष, एक पक्ष के लीडर गुरुपाल कुमार और दूसरे पक्ष के लीडर अभिनव चतुर्वेदी थे। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और इस कार्यक्रम ने काफी तालियां बटोरी। इसके बाद झूठ बोले कौवा काटे, बड़ा निक लागे अमर देशवा के माटी, जीना है तो पापा शराब नहीं पीना, ये सारे कार्यक्रम हुए और सभी कार्यक्रम। राजधनवार विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह ने बुधवार को डोरंडा मंडल क्षेत्र में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर धनवार विस के भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह ने बुधवार को डोरंडा मंडल क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अभियान के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे देश और प्रदेश में सार्थक किया है। कहा कि राज्य में चहुओर विकास के कार्य हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने द्वारा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि अगर जनता उन्हें समर्थन देती है तो धनवार क्षेत्र में चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा। उन्होंने राज्य की डबल इंजन सरकार को मजबूत करने का आग्रह किया। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विवेक विकास, प्रद्युमन वर्मा, भीखी पासवान, पवन राय, केदार साव, कोलेश्वर साव,
अजीत गुप्ता, दिलीप पांडे, सुखदेव राम, श्रीकांत राय सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हरवार की जुआओं ने ठाना है, लक्ष्मण सिंह का जिंदा है। हरवार की जुआओं ने ठाना है, लक्ष्मण सिंह का जिंदा है। हरवार जिंदाबाद, लक्ष्मण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा मैं जीतेगा, लक्ष्मण सिंह जीतेगा, लक्ष्मण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरिडीह विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद लल्लू के समर्थन में चैताडीह में एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान लोगों ने उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया। गिरिडीह विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद लल्लू के समर्थन में बुधवार को चैताडीह में एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान काफी संख्या में दलित समाज के प्रमुख लोगों ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। बताया गया कि नागेश्वर दास के नेतृत्व में कई लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद लल्लू के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उन्हें सहयोग का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान काफी संख्या में दलित समाज के प्रमुख लोगों ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। बताया गया कि नागेश्वर दास के नेतृत्व में कई लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद लल्लू के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उन्हें सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान प्रत्याशी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर मुखिया प्रति मेघलाल दास, पीरटाण मुखिया विजेंद्र दास, किशुन भैया, राजू दास, बबलू दास, अशोक दास, मोहन दास चितलाल, गोविंद पंडित, शंकर दास, राजेश दास आदि मौजूद थे। टोकरी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरिडीह का विधायक कैसा हो, लालो भैया जैसा हो, लालो भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टोकरी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, मैं जिस दिन इस गिरिडीह विधानसभा से जीत करके विधायक बनूंगा तो मेरा हमेशा ये सोच रहा है कि हम गिरिडीह से जितने भी हम, चाहे मुस्लिम समाज से हो या हरिजन समाज से हो, आज ये दोनों समाज में से कहीं पे किसी का कोई इज्जत नहीं है और ना ही कहीं पे कोई वकार है। हम तमाम भाइयों को सिर्फ झंडा ढोलाने के लिए ये लोग, पार्टी वाले लोग, हम लोग को यूज करते हैं और ये बात एक साल से सभी भाइयों को समझ में आ गया है। इसलिए अब दोनों समुदाय के लोगों ने हम लोग इस बार ठाना है कि कुछ नहीं, इस बार सिर्फ अब हम लोग को अपना उम्मीदवार खड़ा करके जिताना है। और रही बात जिस दिन मैं एमएलए बनूंगा तो मेरा प्रतिनिधि किसी हरिजन समुदाय से रहेगा। वाला अनूप सिन्हा जो उधनाबाद से आते हैं, और पता नहीं बीजेपी आज तक घोषणा नहीं कर पाया, न किसी पार्टी ने घोषणा कर पाया है और न जेएमएम घोषणा कर पाया है कि हम अगर जीतेंगे तो दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि चयन करेंगे। किसी माइकल लाल में दम नहीं है जो चयन किया, लेकिन लालों में एक हौसला था कि हमको जीतने के बाद हम किसी दलित समुदाय से अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे जो हमारा बिहार में प्रतिनिधि करेगा। इसलिए हम लोग पूरे दलित लोग लालू जी के साथ। दिगंबर जैन समुदाय के कई साधु इन दिनों गिरिडीह में हैं। कोलकाता से पैदल यात्रा कर आए ये सभी साधु मधुबन जाएंगे। इसी क्रम में गिरिडीह में इनका स्वागत किया गया। दिगंबर जैन समुदाय के साधुओं का एक जत्था इन दिनों गिरिडीह पहुंचा है। यहां जैन समुदाय के लोगों ने साधुओं का भव्य स्वागत किया। बताया गया कि कोलकाता से पैदल यात्रा कर जैन साधु भागलपुर गए थे, वहां से इनका जत्था गिरिडीह पहुंचा है। यह जत्था विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ यात्रा शिखर जी जाएगा। इसी क्रम में गिरिडीह में साधुओं का स्वागत किया जा रहा है। यहां इस मौके पर जैन समाज के विजय सेठी रमेश शाह, विजय कुमार सुरेंद्र लाटा, अविनाश सेठी, अजय पांड्या, धीरज लाटा, अजीत सेठी, शशि चौधरी, नीतू शाह, हेमलता सेठी आदि लोग मौजूद थे।
साथ में गिरिडीह नगर में प्रवेश किए हैं। वो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी मुनि हैं, अपने साथ में 56 साधुओं को लेकर के कलकत्ता से शिखर जी की ओर विहार कर रहे हैं। इस विहार के क्रम में आज गिरिडीह नगर पधारे हैं। आज रात्रि विश्राम करके शिखर जी के लिए सुबह प्रातः में यहाँ से प्रस्थान करेंगे और हम सभी उनके मंगल विहार की मंगल कामना करते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी लीला समाप्त कर ली। जमुआ पुलिस ने शव कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गिरिडीह के बड़की खरगडीहा निवासी हाबू दास ने आर्थिक तंगी की वजह से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया गया कि 45 वर्षीय हाबू दास हड्डी रोग से ग्रसित था और कोई भी भारी काम नहीं कर पाता था। इसी वजह से उसे अच्छी मजदूरी नहीं मिल पाती थी, जिससे घर की स्थिति चरमरा गई थी। बताया गया कि उसके 6 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटी दूसरे के घरों में चूल्हा चौका बर्तन बासन आदि का काम कर घर को चला रही थी। घर की माली हालत देखते हुए अब उन्हें अपने यह लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ के पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। क्या नाम था मृतक का? कहाँ घर पड़ता है? कैसे क्या हुआ था? सर आर्थिक तंगी में आके सुसाइड कर लिया, कल लगभग शाम को 8-9 के बीच में। सर आर्थिक तंगी में मतलब क्या? मतलब इसका तबीयत तो कुछ दिन पहले ख़राब हो गया था, किडनी का डायग्नोसिस करवाया था, उसके बाद फिर कुछ दिन से इसका तबीयत ख़राब हो रहा था। तो सोचा, इसकी बीवी बता रही थी जैसे कि बोला कि इतना करीब है, हम कहाँ से क्या करें, 4 गो बेटी है इसको, और बेटा है छोटा छोटा और 2 बेटा भी है, बेटी भी छोटी छोटी सी है। तो वही बोला कि कितना हम कहाँ से क्या करें, हम तो मजदूरी भी बढ़िया से नहीं कर पाते वजन वाला काम। तो उसके बाद फिर बोली कि हमको पता नहीं चला कि क्या ये रास्ता इसी तरह ढूंढ रहा है, तब इस तरह का घटना इसके साथ हुआ है। मतलब ये अपने आप में फांसी लगा ली। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की गतिविधियां हुई तेज। शहरी क्षेत्र में 4 सेल्फी पॉइंट का किया गया उद्घाटन, उपायुक्त समेत कई पदाधिकारी व खासो आम रहे मौजूद। चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को मिलेगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा। चुनाव आयोग उठाएगा इलाज का खर्चा, उपायुक्त ने दिए इसके स्पष्ट निर्देश। विधानसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच तमाम प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। विभिन्न इलाकों में पहुंचे सभी दलों के प्रत्याशी, मांगा अपने अपने पक्ष में समर्थन। और दिगंबर जैन साधुओं का दल पहुंचा गिरिडीह। मधुबन जाने के क्रम में गिरिडीह में जैन समुदाय ने किया स्वागत। कोलकाता से पैदल यात्रा कर पहुंचे हैं जैन संत। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।